मुझे दिखता है वो एक्शन का रिएक्शन ऑन द स्पॉट देता है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि हाँ बिग बॉस का कॉल आएगा या सलमान खान का कॉल आएगा तो मैं उसकी तरफ से अभी नहीं, कल के एपिसोड में तो जो है सलमान खान ने भी चिंटू को बहुत बोला है और उन्होंने भी बहुत उनके पोकिंग के बारे में उन्होंने भी बताया है कि जो जिस तरह का जिस लेवल पे पुकिंग मतलब अभिषेक के साथ हो रहा था तो जितने भी और भी लोग वहाँ पे थे, मतलब ईशा थी और फिर मुनव्वर था और विक्की जैन थे और जितने भी थे चिंटू था, सभी से जो है ना सलमान खान पूछा कि इस जिस लेवल पे चिंटू ने पोक किया अभिषेक को, उस लेवल पे अगर आप लोग के साथ भी इस तरह का अगर पोकिंग किया जाता तो आप क्या कर सकते थे, क्या आप चाटा मारते। तो जिस से सलमान खान ने पूछा है, बस एक चिंटू ने नहीं इस चीज़ को बोला है, बाकी सब ने एक्सेप्ट किया। चिंटू ने कहा कि मैं सेल्फ कंट्रोल कर सकता था, तो सलमान खान ने कॉल आउट किया कि आप पुरानी चीज़ों को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कैसे करोगे। अगर आप ये कर रहे हो तो भाई आप महान हो, आप देववान हो, आप भगवान हो, आपका बहुत बड़ा। हालांकि अंकिता ने मनोवर ने सभी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जिस तरह जिस लेवल का पोकिंग हो रहा था और हुआ है उस लेवल पर हम लोग का भी हाथ कहीं ना कहीं पे उड़ जाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब साबित हुआ है कल के एपिसोड में कि कहीं ना कहीं अभिषेक जो किया है वो कुछ देर के लिए सही ही हुआ है, क्योंकि जिस लेवल पे पोकिंग किया गया था वो बहुत ही खतरनाक लेवल था। मुंह में टिशू डाल देना, ये डाल देना, वो बंदा अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा। कोई भी अब इंसान के अंदर में एक छोटा सा दिमाग है, उस दिमाग को कंट्रोल करने भर ही लोड दे सकते हैं ना। अगर आउट ऑफ कंट्रोल अगर वो हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर इंसान नहीं देखता है कहाँ पे है और क्या मैं करने वाला हूँ और क्या हो गया, ये सब तो आदमी सोचता भी नहीं है। सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबिलिटी टॉपिक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में अगर आप किसी को ये कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, तो मेंटल इशू अभी के डेट में लोग बहुत सारे अपने काम से भी स्ट्रेस होकर के वो थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाते हैं। हमारे आप ये देख लो सुशांत सिंह का, जिसको बोला गया था कि क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो क्लोस्ट्रोफोबिया की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा बैठी। तो इस चीज़ को बहुत सेंसिबल होकर के देखना है कि अभिषेक के साथ भी नहीं, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है अंकिता बार बार जो है ये बंदे का क्या नाम है जो आपने अभी बताया था, सुशांत सिंह राजपूत का, ये बार बार मतलब क्यों टॉपिक उठाना चाहती है, मतलब उससे एक जुड़ा हुआ एक कहानी बताना चाहती है, मतलब अभी भी ऐसा मतलब चाहती कि उसका नाम का फेम लेके मैं मतलब उसके नाम पे कुछ क्रेडिट लूँ, मतलब क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रही हो, क्या दिखाना चाह रही हो। ये चीज़ तो मुझे भी समझ में मतलब थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा बहुत नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि वो आपको जिस वक्त पवित्र रिश्ता इन्होंने शो किया था उस, ये पवित्र रिश्ता 6 साल चला है, और इन लोगों का 6 साल नहीं तो 5 साल अप्रॉक्स रिलेशनशिप में रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों का कुछ अनबन हुआ है। जिस तरीके से अंकिता ने ये शो को या पब्लिक को नैरेटिव सेट कर रही है कि सुशांत सिंह के साथ मैं हमेशा के साथ में थी, बट ऐसा नहीं है। सुशांत के साथ एक वक्त के बाद उसका फिर ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, वो 2.5 साल तक मतलब ब्रेकअप में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं पे फेमस जो है ना, ये सुशांत सिंह के जितने भी फैन हैं, तो हो सकता है अंकिता ये इस शो में बीच में ला करके सुशांत का कंधा अपना सर रख कर करके बंदूक चलाना चाह रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सुशांत के फैन इनको लाइक करें, इनको एग्जैक्ट मुझे भी वही लग रहा था कि इनका जो फैन फॉलोइंग है वो तो है ही है, वो तो वोट करेंगे ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है अब विक्की जैन का भी मतलब सपोर्ट लेना चाह रही हैं, फिर सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी फैन फॉलोइंग है, लोग जितने चाहने वाले थे उनका भी फैन फॉलोइंग अपनी तरफ मतलब आकर्षित खींचना चाह रही हैं। हाँ, ये तो लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये जिस वक्त आई थी मतलब अपने ये हाँ शो में, बिग बॉस के शो में इनका गेम कुछ भी नहीं था, ये ज़्यादातर सोती थी, ज़्यादातर मतलब बस बैठ करके बस इसकी बातें उसकी बातें, मतलब अचानक जागी कभी है, कब से जाग रही है, ये जाग रही है, कब खुली इनकी, इन्हें कॉल आउट किया गया था बिग बॉस के द्वारा, सलमान खान के द्वारा बोला गया था
कि विक्की आपको कुछ बोलने नहीं देते हैं, आपका पक्ष नहीं रखने देते हैं, तो आप इस चीज़ में क्या कहना चाहते हैं? तो इनको एक कहीं ना कहीं माइंड पे हिट किया गया है कि अब मैं नाउ वी आर प्लेइंग इंडिविजुअल, ये हालांकि बोल करके आए हैं इंडिविजुअली, हालांकि हस्बैंड वाइफ है, जितना भी आप इंडिविजुअल खेल लो, जहाँ पे वीक पॉइंट विक्की का आएगा, जहाँ पे वीक पॉइंट अंकिता का आएगा, तो वी हेल्प टूगेदर। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि जैसे अंकिता पे कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विक्की जैन थोड़ा कभी कभी भारी पड़ते हैं, मतलब वो ऐसा दिखाते हैं या फिर रियल में है कि मतलब तुम बहुत वीक हो मेरे सामने, मतलब बिना गाइडलाइन का हमारे तुम कुछ भी नहीं हो, जो भी करो एक बार हमसे गाइडलाइन लो या फिर एक बार बैठ करके उस मैटर पे बात करो फिर उस मैटर को रखो, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? विक्की जैन का बात ये है कि विक्की जैन नो डाउट ओवर स्मार्ट है, वो स्मार्ट बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ओवर स्मार्ट वाला वो काम कर देते हैं, जिन्होंने बिग बॉस भी इसको मतलब कॉल आउट किया है कि विक्की भाई के हाथ में लोगों की पतंग है और लोग मतलब उसके पतंग के इशारों से ढील देते हुए चलते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि विक्की का तो कोई मतलब फ़ैन फॉलोइंग है नहीं, उन्हें सिर्फ अंकिता के थ्रू जाना जाता है कि दिस इज़ अ हस्बैंड फॉर अंकिता, तो वो अंकिता के बेसिस पे वो उतना बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है तो वो अपने माइंड से खेल रहे हैं। अब जिस तरीके से भी खेला जाए, ये तो एक रियलिटी शो है, रियलिटी को आपको दिखाना है कि आप कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो अब बाकी जिस तरीके से वो दिखाते हैं शो करते हैं कि मतलब उनका शो ये रहता है, ये चीज़ दिखाते हैं कि अंकिता यार तुम चुप रहो, तुम बस अब बोलो नहीं, अब तुम मतलब कुछ भी नहीं बोलो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कुछ भी दिमाग नहीं है, इस तरह से वो मतलब एकदम उसको चुप कर देते हैं, वो फिर क्या मतलब मामला तो समझ में नहीं आता मुझे। होता है क्योंकि जब आप इंडिविजुअली बोल करके आए हो तो आप इंडिविजुअली खेलो, आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल ये नहीं आप बोल सकते हो कि तुम मेरे इशारे पे चलो, ये सीधा सीधी बोला गया है कि आप मेरे इशारों पे चलो, तो इशारों पे आपके आदमी नहीं चलेगा क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो ये मेरा आई हैव टू राइट टू थ्रो आउट पॉइंट आउट। तो मुझे और एक और जो है ये मनोवर जो है, मनोवर की जो गर्लफ्रेंड आई है आयशा आई है वो सही है, तो मतलब जब वो एंट्री की थी जो फर्स्ट बिग बॉस के हाउस में जब एंट्री की तो काफ़ी अग्रेशन में थी, काफ़ी मतलब ऐसा लग रही थी मतलब कि मतलब एक खूनखार की तरह वो इन की थी, फिर मतलब बस 24 घंटे में ऐसा मतलब अपने आप को चेंज कर ली, तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं पे उसका भी कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो है वो एक गेम खेलने के लिए या बिग बॉस के घर में इन करने के लिए ये सब मतलब टॉपिक लेकर आई थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आयशा के बारे में मैं यही कहूँगा कि आयशा अपना एक बाहर का रिलेशन मनोवर के साथ रख चुके हैं, रिलेशन नहीं बोले बस, रिलेशन बहुत तरीके का होता है, रिलेशन में फ्रेंडशिप भी आते हैं, हस्बैंड भी आते हैं, वाइफ भी आते हैं और लवर भी आते हैं, तो रिलेशन का एक ये था कि मनोवर और आयशा की बातचीत होती थी ठीक है, ड्यूरिंग मतलब क्या उसकी गर्लफ्रेंड का नाजला, ड्यूरिंग नाजला के साथ मनोवर का थोड़ा तन मन हो रहा था, तो उस बीच में ये आयशा इंटर की थी, तो थोड़ा सा इंट्रैक्ट हुआ, बातचीत हो रही थी, लेकिन हाँ मनोवर ने ये नहीं कहा था उसको कि या आया लव यू या आई हैव फीलिंग फॉर यू, अब बाहर में उन्होंने ये नहीं कहा जिस तरीके से अंदर में उन्होंने आकर के ये कहा, तो आयशा अपना गुस्सा लेकर के आई, ये राइट है कि वो अपना गुस्सा लेकर के इसलिए आए क्योंकि मनोवर ने बाहर उनको क्लोजर नहीं दिया था, और मनोवर पूरा शो डे वन से मनोवर अपनी मतलब नाजला के बारे में ही बता रहे हैं, तो इससे मुझे चिढ़ लग रहा है कि आप मुझसे मतलब इस तरीके का बात कर करके गए हो और आप नाजला के बारे में आप वहाँ पे शो कर रहे हो, तो आप फिर मैं हूँ कौन ठीक है, तो मेरा ये जो गुस्सा है आपने मुझे क्लोजर नहीं दिया, आप लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उसके लेकर के वो आई अंदर ठीक है, लेकिन जब एक इंसान अंदर आया ठीक है, अंदर आने के बाद मनोवर से थोड़ी बातचीत हुई, तो एक कभी कहीं कहीं आयशा मतलब घबरा जाती है या फिर उसका किसी का चेहरा स्वीट चेहरा देख करके वो ये हो जाती है, लेकिन आयशा को चाहिए कि वो अपना राइट टू मतलब अपना एक स्टैंड लेकर लेकिन कहीं कहीं पे हमको ऐसा भी मतलब फील हुआ है, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा है कि आयशा को आने से थोड़ा सा असर तो मनोवर पे पड़ा, थोड़ा नहीं बहुत पड़ा, क्योंकि मैं भी देखा हूँ कि मतलब वो लाख मतलब एक अग्रेशन में आई है, लेकिन मनोवर की तरफ से कोई अग्रेशन नहीं था, बिल्कुल वो नॉर्मल में था, और उसके तरफ से मतलब एक था नेगेटिव वर्ड लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वही मनोवर
मनोवर को देख रहे हैं तो काफ़ी स्माइल भी कर रहा है, अच्छे से बात भी कर रहा है। अगर वो कहीं कहीं पे बैठे हुए हैं तो उससे बैठकर वहाँ पे बैठना भी चाह रहा है, जाकर बात भी करना चाह रहा है। तो थोड़ा तो मुझे अब आप बताएं कि दोनों में मतलब क्या रियलिटी। मनोवर जो है, देखिए मनोवर एक अपने में काफ़ी शख्सियत नाम उन्होंने कमाया है मनोवर ने, ठीक है। तो मनोवर का बात अगर करना है तो मनोवर देखिए उन्होंने फर्स्ट टाइम पे वो एक्शन का रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इंसान किसी का दिल जीतने के लिए तलवार से नहीं अपनी ज़बान ही काफ़ी होती है। तो सबसे अच्छा ट्रिक है मनोवर ने ये आजमाया है कि सामने वाले को मतलब किस तरीके से ठंडा किया जाए, किस तरीके से अपना। तो उन्होंने सबसे पहले अपोलोजाइज, एग्जैक्ट वही मतलब कि ऐसा अपना... तो नहीं कि बिग बॉस के घर में अभी ठंडा के कि चलो अंदर अभी हम लोग कूल रहते हैं, बाकी जो भी मामला था हम लोग बाहर देख लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना ये शांत व्यवहार से शांत इससे उनके साथ फिर अपना चालू करने लगा। लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आई लाइक यू आइए। लेकिन मैंने नाइट में एक बार शो देखी थी, मतलब वो 24 आवर वाली जिसको आपको रियल टेलीविज़न पे नहीं दिखाया गया, तो उसमें साफ क्लियरली मनोवर ने ये कहा है एकदम स्लो आवाज़ में आयशा को, आई लाइक यू मतलब पसंद करना। चलो ठीक है, लाइक तो आदमी सब लाइक करता है, बस उसके लिए कुछ ये नहीं कहेंगे। यहाँ पे कमेंटमेंट होता है आई लव यू का, लव यू जो होता है वो बेस्ट कमेंटमेंट होता है कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब प्यार करती हूँ तो उसके साथ आपको फिर बंधना होता है। सॉरी।